सभी को जय जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी की कथा में पहुंच गए हैं, आपको बता दें। और अभी हम आपसे बहुत सारे लोगों से बात भी यहां पे करेंगे और देखेंगे किसकी क्या राय है, और हिंदू राष्ट्र को लेकर सबसे बड़ा मैटर रहेगा। और देखिए, जिस तरह से आजकल हमें देखने को मिल रहा है, महाराज जी ने जगाने में हिंदुओं को कमी नहीं छोड़ी है। तो आज बस वही देखना है कि हिंदुओं के अंदर क्या चल रहा है, महाराज जी को लेकर और हिंदू राष्ट्र को लेकर। हाँ राल भाई, हिंदू राष्ट्र और सीए पे भी बात होगी। सीए के अंदर आखिरकार जो महाराज जी के सपोर्टर हैं, वो आखिरकार क्या चाह रहे हैं, और हिंदू राष्ट्र पर क्या चाह रहे हैं, क्योंकि महाराज जी दिन और रात मेहनत कर रहे हैं देश में के युवाओं को जगाने के लिए। मतलब यानी कि उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। तो ये सब हमारा भी कर्तव्य है, और जानते हैं उनके भक्तों की आखिरकार क्या राय है और क्या चीज है, कैसे भक्त है, कट्टर है, और दिल से कितना सपोर्ट करते हैं उन्हें, ये देखना बहुत जरूरी है। और जिस तरह से महाराज जी हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वैसे जागरूक तो है, और लेकिन आज हम देखना चाहते हैं जमीनी स्तर पर कितना जागरूकता है हिंदुओं के अंदर। मैं दिखा देता हूं, ये देखिएगा, मतलब यहां पे आप देख सकते हैं, इधर आप देख सकते हैं, पूरा यहाँ पर बहुत तगड़ी भीड़ है भाई साहब, मतलब बहुत गचागच भीड़ है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं पूरी तरह से बाइक और गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। ये मेन गेट है, जो पांडाल का गेट है, ये मेन गेट है, और जनता पूरी तरह से, समस्त सनातनी पूरी तरह से आ रहे हैं, बच्चे बूढ़े बालक बुजुर्ग सब आ रहे हैं भाई साहब। और ये मेन गेट देख सकते हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है, बागेश्वर वाले महाराज की सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, इस पे यहाँ पे चेकिंग भी चल रही है। उत्तर प्रदेश पूरी तरह से तैनात है, आपको बता दें महिला पुलिस कर्मी भी यहाँ पर पूरी तरह से तैनात है, और किसी भी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत ना हो और कोई जिहादी आना जाए। और क्योंकि पहले भी कई बार इस तरह से मतलब जिहादी भी पकड़े गए हैं, जिन्होंने जिन पे कट्टा वगैरह कुछ और है। चलिए दोस्तों, अब आगे दिखाते हैं कितनी भीड़ है पांडाल में, दिखाते हैं आगे ले चलते हैं, तो बने रहिएगा, देखिए आगे क्या है पांडाल में, देखिए। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं पूरी तरह से गचागच पांडाल भरा हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि बागेश्वर धाम वाले महाराज जो हैं, वो अभी भी नहीं बैठे हैं, यानी कि 3:30 बजे का टाइम हो रहा है और वो नहीं है अभी, इसलिए यहाँ पे जो भीड़ है वो खड़ी भी हुई है, कुछ बैठे भी हैं। और पूरी तरह की सुविधा यहाँ पर है, पंखा से लेकर सारा कुछ है, LED स्क्रीन सारा कुछ है, आप देख सकते हैं। और मैं अभी आपको ग्राउंड भी दिखा देता हूँ, पूरी तरह से बहुत बड़ा ग्राउंड है, आप देखिएगा। और आपको मैं बता दूं कि हिंदुओं का लगातार यहाँ पर जबरदस्त आना हो रहा है, आपको बता दें दोस्तों, बहुत बड़ा ग्राउंड भी है। और ये जो आप टेंट देख रहे हैं ना, ये बहुत ही मजबूत है, कोई ऐसा वैसा नहीं है। तो आपको बता दें कि इसको बनाने में भी यहाँ पे काफी टाइम लगा होगा और काफी खर्चा इसमें आया होगा, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। पूरी तरह से पुलिस कर्मी भी अपने महाराज जी की सुरक्षा में यहाँ पर तैनात है हर तरह से। और लगातार अभी महाराज जी 4 बजे बैठेंगे, उसके बाद भी आपको दिखाएंगे, देखिएगा दोस्तों। पूरी तरह उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी तरह से तैनात है, और हर जगह पुलिस का चेकिंग भी चल रही है, ऐसी कोई बात ना है। बाकी जिस तरह, क्योंकि ये बहुत जरूरी है महाराज जी की सिक्योरिटी का ख्याल रखते हुए, ये वास्तव में ही बहुत जरूरी है। क्योंकि आज जिस तरह से बागेश्वर वाले महाराज हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बागेश्वर वाले महाराज को धमकी भी लगातार मिलती है इन जिहादियों की तरफ से। आप देख सकते हैं पूरी तरह से पांडाल, अभी देखिए महाराज जी बैठे भी नहीं है और पूरी तरह से ये भरा हुआ है, आप देखिए। मैं कह रहा हूँ कि भाई साहब, जनता लगातार आ भी रही है और पूरी तरह से आप देख सकते हैं पूरे यहाँ। और इधर भी राहुल शर्मा से कहूंगा कि थोड़ा सा परली तरफ भी दिखाएगा। और दोस्तों, अभी हम बात करेंगे यहाँ पे यहाँ की जनता से कि भाई ये कितना जागरूक हो रहे हैं और ये कितनी बागेश्वर वाले महाराज की बातों से मतलब कितना जागरूकता हो रहे हैं, कितने अपने अंदर मानते हैं। तो कहीं ना कहीं आज इस चीज को भी हम यहाँ पे परखेंगे, जमीनी स्तर पे देखेंगे कि हिंदू जागरूक हो रहा है या नहीं हो रहा है, और हिंदू कितना जागरूक हो रहा है, बहुत जरूरी है। और जागरूक करना हमारा मकसद और सभी का, सनातनियों का यही मकसद है, योगदान है उनका हिंदुओं को जगाने में। तो कहीं ना कहीं रही देखिए, आज हम हिंदू राष्ट्र में बात करेंगे दोस्तों, आज हम हिंदू राष्ट्र पर भी बात करेंगे, और यहाँ पर कुछ भाइयों से पूछेंगे, बात करेंगे, और देखते हैं कितने लोग हिंदू राष्ट्र को लेकर जागरूक है।